नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रताप और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पियानो हारमोनियम प्रताप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में माँ लक्ष्मी की बहुत सुंदर सी आरती है, ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। आज इस आरती को बिल्कुल सरल से सरल करके हिंदी नोटेशन के साथ बजाना सीखेंगे। आप इस आरती को एक बार में बजाना सीख सकते हैं, बस आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों, जो लोग YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आइए दोस्तों, और देर न लगाते हुए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं हमेशा आरती की स्केल की। तो हमेशा आरती को तीसरा काला यानी एफ शार्प मेजर से इस आरती को बजाना सीख रहे हैं। इसमें जो नोट यूज होंगे वो सारे के सारे शुद्ध यूज होंगे, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। सा रे गा मा पा धा नी और सा। इसमें जो नी का यूज होगा वो नीचे की तरफ ही यूज होगा। सबसे पहले सीखते हैं दोस्तों हम इस आरती का स्थाई। स्थाई की सीखते हैं पहली लाइन जिसके बोल है ओम जय लक्ष्मी माता। तो इतनी सी लाइन को बजाते हैं फिर उसको सीखते हैं। देखिए, बहुत इजी है। सबसे पहला शब्द है ओम, ओम के लिए एक बार सा, उसका नेक्स्ट शब्द आएगा जय, जय के लिए फिर से एक बार सा, उसका नेक्स्ट शब्द आएगा लक्ष्मी, लक्ष्मी के लिए तीन बार सा और एक बार रे, फिर से देखिए, ठीक है। उसका नेक्स्ट शब्द आएगा माता, माता के लिए एक बार नी, एक बार सा और एक बार रे। अब सीखते हैं नेक्स्ट लाइन जिसके बोल है मैया जय लक्ष्मी माता। तो इसको भी बजाते हैं फिर इसको भी सीखें। देखिए, बहुत इजी है। सबसे पहला शब्द है मैया, मैया के लिए रे और गा, उसका नेक्स्ट शब्द आएगा जय, जय के लिए एक बार माँ, उसका नेक्स्ट शब्द आएगा लक्ष्मी, लक्ष्मी के लिए दो बार पा, एक बार धा और फिर से पा, लास्ट में शब्द आएगा माता, यानी मा गा मा रे। इसके बाद आती है दोस्तों आगे की नेक्स्ट लाइन जिसके बोल है तुमको निस्दिन सेवत हर विष्णु विधाता। इस लाइन को भी बजाते हैं फिर इसको भी सीखते हैं। देखिए, सबसे इजी है। सबसे पहला शब्द है थुमको, थुमको के लिए रेगा रेगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट शब्द आएगा निस्दिन, निस्दिन के लिए तीन बार माँ और एक बार गा, उसका नेक्स्ट शब्द आएगा सेवत, सेवत के लिए रे गा और दो बार सा, उसका नेक्स्ट शब्द आएगा हरि, हरी के लिए एक बार नी और एक बार सा, उसका नेक्स्ट शब्द आएगा विष्णु, विष्णु के लिए दो बार रे एक बार गा और लास्ट में शब्द आएगा विधाता, विधाता के लिए, विधाता के लिए रे सा नी सा धा। इसके बाद दोस्तों फिर से एक बार रिपीट होकर आएगी ओम जय लक्ष्मी माता, लेकिन अब की बार थोड़े नोटेशन चेंज होके आएंगे। देखिए, सबसे पहला शब्द है ओम, ओम के लिए एक बार रे, उसका नेक्स्ट शब्द आएगा जय, जय के लिए फिर से एक बार रे, उसका नेक्स्ट शब्द आएगा लक्ष्मी, लक्ष्मी के लिए दो बार रे एक बार गा और फिर से रे, लास्ट में शब्द आएगा माता, माता के लिए सा नी सा। जैसे ही दोस्तों ये लाइन कंप्लीट होगी, ये लाइन कंप्लीट होते ही आपकी जो आरती का स्थाई है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, हमने अपना स्थाई कंप्लीट कर लिया है, अब हम सीखते हैं इस आरती का अंतरा। अंतरा सीखें उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से दोस्तों मुझे बहुत हौसला मिलता है। अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सीखते हैं अंतरे की पहली लाइन जिसके बोल हैं उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता। तो इस लाइन को भी पहले बजाते हैं फिर इसको भी सीखेंगे। देखिए,
बहुत ईजी है। सबसे पहला शब्द है उमा, उमा के लिए एक बार रे और दो बार सा। उसका नेक्स्ट शब्द आएगा रमा, रमा के लिए एक बार नी, एक बार रे और एक बार सा। उसका नेक्स्ट शब्द आएगा ब्रह्माणी, ब्रह्माणी के लिए सा नी रे और दो बार सा। उसका नेक्स्ट शब्द आएगा तुम ही, तुम ही के लिए तीन बार हमें बजाना है माँ। उसका नेक्स्ट शब्द आएगा जग, जग के लिए दो बार घागा। उसका नेक्स्ट शब्द आएगा माता, माता के लिए रे सा रे। इसके बाद दोस्तों आधी लाइन फिर से रिपीट होगी, मैया तुम ही जग माता। तो इसको भी बजाते हैं फिर इसको भी सीखेंगे। देखिए सबसे पहला शब्द है मैया, मैया के लिए दो बार फापा। उसका नेक्स्ट शब्द आएगा तुम ही, तुम ही के लिए पा धा पा मा। उसका नेक्स्ट शब्द आएगा जग, जग के लिए दो बार गागा। उसका नेक्स्ट शब्द आएगा माता, माता के लिए रे सा और रे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट लाइन आती है जिसके बोल है सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। तो इस लाइन को भी बजाते हैं फिर इसको सीखते हैं। देखिए सबसे पहला शब्द है सूर्य, सूर्य के लिए रे गा रे। उसका नेक्स्ट शब्द आएगा चंद्रमा, चंद्रमा के लिए एक बार गा, तीन बार मा और फिर से गा। उसका नेक्स्ट शब्द आएगा ध्यावत, ध्यावत के लिए एक बार रे और दो बार गा, सॉरी एक बार गा और दो बार सा। उसका नेक्स्ट शब्द आएगा नारद, नारद के लिए एक बार नी, एक बार सा और दो बार रे। लास्ट में शब्द आएगा ऋषि, ऋषि के लिए गा और रे और बिल्कुल लास्ट में शब्द आएगा गाता, गाता के लिए सा नी सा धा। इसके बाद दोस्तों जो हमारा स्थाई था, स्थाई में जो सबसे लास्ट में जो लाइन सीखी थी हमने ओम जय लक्ष्मी माता, वही की वही लाइन यहाँ पर फिर से रिपीट हो जाएगी। देखिए मैं भजाकर बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ही दोस्तों ये लाइन कंप्लीट होगी, ये लाइन कंप्लीट होते ही जो हमारा पूरा का पूरा स्थाई है वो पूरा का पूरा स्थाई फिर से रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये अंतरा हमने जो सीखा है इसी अंतरे के आधार पे आप इस आरती के बाकी अंतरे भी बजा सकते हैं, बिल्कुल सेम नोटेशन यूज होंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको कोई आरती भजन कुछ भी सीखना हो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं, मैं आपको सिखाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय लक्ष्मी मैया।